गुड इवनिंग। आज हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र। सबसे बहुत आसान तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में दो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको कन्फर्म होना चाहिए, जो प्रथम आवेश होता है और द्वितीय आवेश होता है। सुनिए ध्यान से, जो प्रथम आवेश होता है और द्वितीय आवेश होता है, उन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। कहा जाए पहले हम एक बड़ा सा लेते हैं जिसके बीच का, यहाँ से आप चार्ज अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर चार्ज इसको दिखा दीजिए जहाँ को, बाहर भी इसे दिखा दीजिए, एक अलग से बनाते हैं हम, इसके सेंटर से जाना चाहिए, यानी अंदर की ओर गया है, आप चाहते हैं कि ऐसे बाहर की ओर। तो कहने का सेंस क्या, जो इस इन दोनों के आवेश हैं, आवेश तो ये आवेश आपका क्यू जीरो हो जाता है, टेस्ट चार्ज इसे बोलते हैं, यानी परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश बोलते हैं। और जब ये परीक्षण आवेश बोलते हैं तो यहाँ पे बताया जाता है इसकी विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का अर्थ ये हो जाएगा कि बीच यहाँ पर आपका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन तो जिसमें आप पढ़े होंगे सदिश राशि, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें परिणाम और दिशा की आवश्यकता होती है, ये दोनों होता है, ठीक है। तो देयर इज, यहाँ पे डायरेक्शन जब शो कर रहा है तो ऐसी कोई ना कोई बल होगा, वो ऐसा कोई ना कोई बल होगा जिस पे काम करेगा हमारा फोर्स, जब काम करेगा क्या काम करेगा, फोर्स से काम करेगा। और जब ये फोर्स इस पर काम करेगा, ठीक है, तब ये फोर्स काम करेगा तो ये चार्ज परीक्षण आवेश में होते हैं, तो इनका और इनका अनुपात जो होता है वही वैद्युत क्षेत्र होता है। दैट मीन्स वैद्युत क्षेत्र आपका ऐसे होगा, यहाँ पे फोर्स अपान यहाँ पे टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज यानी यहाँ पे देंगे बल और यहाँ पे परीक्षण, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यही हो जाएगा, वेक्टर एफ अपान देखिए टेस्ट चार्ज से जुड़े होते हैं क्यू जीरो से, देखिए बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। बस ये चीज ध्यान होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र आप इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि बल जो आप परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब इसकी मात्रक देख लेते हैं, यूनिट एंड डायमेंशियल ऑफ ई, यूनिट बेस होता मात्रक, मात्रक और बीमा किसके, ई के, ई है ई के मात्रा क्यों बीमा। तो देखिए ऐसे ई हो गया इक्वल टू क्या, फोर्स अपान टेस्ट चार्ज। तो देखिए बल को किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन, ये आपका न्यूटन हो गया, हाई परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज, यानी इसको आप ये देख रहे हैं क्या देगा न्यूटन, यहाँ पाजी ऊपर गया तो न्यूटन पर प्लान इज नोन एज क्या होता है आपका, यही आपका विद्युत क्षेत्र होता है, क्या था विद्युत क्षेत्र। तो ये पूछ सकता है पेपर में विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, उसको परिभाषित कीजिए, बस आप यही बोलेंगे बल तथा, ये बल ना बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, बस हो गया। इसके मात्रा का आपके न्यूटन पर कूलम हो गया और यहाँ पे पूछ रहा बीमा, बीमा भी एक से निकाल लीजिए, तो बीमा में क्या देखेंगे, ये देखेंगे यल टी माइनस टू, ये बीमा होता है, याद होना चाहिए आपका यल टी माइनस टू, और यहाँ हो गया आपका
या कूलाम, कूलाम क्या है के इनटू टी आवेश, इसका होता है मालूम है ना क्यू इक्वल टू आई इनटू टी। तो आई का यहाँ पे एम्पियर और हो जाएगा आपका टी, ठीक है। दोनों के साथ लिख देते हैं क्या था हमारा ए टी बी नॉट था। अब इसको ऊपर ले जाइए दीपक, ऊपर ले जाइए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे यम यल, और यहाँ पे रहा ही नहीं है यल, ऐसे देखिए ठीक है टी पावर वन है यहाँ पे टी पावर, और ऊपर जाएगा कितना जाएगा टी पावर माइनस थ्री, और यहाँ पर जाएगा टी पावर माइनस वन। यही आपका क्या हो गया बीमी सूत्र हो गया वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो बहुत आसानी तरीके से आप समझ गए विद्युत क्षेत्र जो है वह वहाँ पे काम करता है जहाँ बल, और उस बल के दिशा में जो परीक्षण आवेश होते हैं उन्हीं के अनुपात में हम वैद्युत क्षेत्र करते हैं, जिसकी मात्रा न्यूटन पर कूलम, इसकी बीमा एम यर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये आपका, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से एक क्वेश्चन बीमा, दो क्वेश्चन मात्रा, तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपकी बोर्ड के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन डाउट होने पर आप अवश्य संपर्क करें। थैंक यू।